खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभु वर तू साथी हमारा भगवन तू संगी सहारा प्रभु वर तू साथी हमारा भगवन तू सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम खुशियों का स्वर लेकर हम। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आत्मदर्शन से पवित्र मिसाएं हमारे परिवारों से गुजर चुकी आत्माओं की अनंत शांति हेतु चढ़ाई जाती है। हमारे परिवारों से काफी लोग गुजर चुके हैं और हाल ही में पैंडेमिक की वजह से कुछ अपने लोगों का निधन भी हो गया है। हम उन तमाम व्यक्तियों को याद करते हैं और आज के पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी अनंत शांति उन्हें प्राप्त हो। साथ ही साथ जो लोग प्रार्थनाएं चढ़ाई है उन्हें भी हम समर्पित करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाएं भी आज के दिन प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। हम अपने पाप स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने थी कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्ग दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1-10 और 15-22 तक। पाठ का मूल वाक्य है विधान के प्रमाण स्वरूप हर पुरुष का खतना होना चाहिए।
सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। जब अब्राम की उम्र 99 वर्ष हो गई तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 बरस के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 बरस की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इश्माएल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थाई विधान बनाए रखूंगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इश्माएल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या भी बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत में तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष, आलेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 1-4 तक। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उनसे कहा, प्रभु आप चाहे
तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ दूर हो गया। यीशु ने उनसे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, इन दिनों में जैसे मैं कहते आया हूं, उत्पत्ति ग्रंथ से और सन्मति के सुसमाचार से हम पाठ सुनते आ रहे हैं। आज के पहले पाठ का एवं सुसमाचार के एक ही निचोड़ है, विश्वास। अब्राहम विशेष रूप से प्रभु से ये उम्मीद नहीं करता था कि ढलती उम्र पर वह पिता बन सकता है, ना सारा उम्मीद करती थी कि उनका अपना एक पुत्र हो सकता है। फिर भी वे मां बनती है और एक पुत्र को प्रसव करती है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, एक कोढ़ी आते हैं, प्रभु के पास आकर कहते हैं, यू कैन क्योर मी, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु उनकी उस इच्छा को अनुग्रहित करते हैं। मैं इस पवित्र मिसा को लेने के पहले एक विख्यात बाइबल प्रीचर अपने वचनों में कहे गए एक साक्षी के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था। उनका इस बात को लेकर कोई अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक कैथोलिक था, वो कह रहे थे कि इस प्रकार जो बातें होती है उसकी बहुत ज्यादा साक्ष्य और बहुत ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में उस साक्ष्य को वहां पर बताया गया था। एक बच्चा जो बीमार था, विशेष रूप से उन्हें न्यूमोनिया थी, अस्पताल के रास्ते में वह रिट्रीट सेंटर जाकर रिट्रीट अटेंड करने के बाद वो पूरी तरह से सौख्य पाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और हॉस्पिटल ना जाते हुए घर को वापस लौटते हैं। इसी पर उस लेखक का टिप्पणी ये थी कि इस प्रकार अगर हम लोग इन साक्षियों को आगे बढ़ाती जाए तो शायद लोग भ्रमित हो सकते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन उसके नीचे एक नॉन क्रिश्चियन ब्रदरन का एक कमेंट भी मुझे पढ़ने को मिला। वो क्रिश्चियन नहीं था। वो इस प्रकार लिखते हैं कि मैंने मेरी नजरों से एक अपाहिज व्यक्ति इस प्रकार के जो रिट्रीट में भाग लेकर पूरी तरह से 100% एकदम उसी वक्त ठीक होते मैंने देखा हूं। और उस कैथोलिक लेखक को शायद सलाह देते हैं कि इस पर तीसरा व्यक्ति कभी टिप्पणी ना करे, क्योंकि यह विश्वास की बात है। जिनके मन में विश्वास है और जिनको ये कृपा देने की ईश्वर की इच्छा है, उनके जीवन में यह घटित होता है। तो इसलिए वह हिंदू भाई विशेष रूप से उस कैथोलिक व्यक्ति को टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि आप
विशेष रूप से उस पर कोई टिप्पणी ना करे, क्योंकि विश्वास एक व्यक्ति का ईश्वर के साथ का संबंध का एक परिभाषा है। हम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल जाने से सब लोग ठीक नहीं होते हैं, फिर भी हम अस्पताल जाते ही हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, इसके बावजूद भी हम अस्पताल जरूर जाते हैं। हम जानते हैं कैंसर का इस वक्त कोई एक ठोस एक प्रकार का इलाज नहीं आया है, इसके बावजूद भी हम अस्पताल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो कोई अस्पताल जाते सभी लोग ठीक होते हैं। कोविड के समय आप सभी देखे हैं, इस प्रकार सब लोग, काफी लोग ईश्वर पर भरोसा रखने से ही पूरी तरह से ठीक होता, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों वास्तविकता है। कोई अस्पताल गया, इलाज कराया, इसका ये मतलब नहीं है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और उसी प्रकार कोई मंदिर गया, कोई चर्च गया, प्रार्थना की, वो पूरी तरह से 100% ठीक हो जाएंगे, इसका भी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकते। सिर्फ दो चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का विश्वास और ईश्वर की इच्छा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं उस व्यक्ति का विश्वास था और ईश्वर की इच्छा। जब व्यक्ति का विश्वास और ईश्वर की इच्छा एक ही हो जाते हैं तो वहां पर चमत्कार होते हैं। हमारे रीजन के परे चीजें होती है। अस्पताल में आप जाते हैं, सभी लोग यही विश्वास के साथ जाते हैं कि मैं जाते ही ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर इलाज करते हैं, उन्हें भी विश्वास होता है कि ठीक हो जाएंगे, फिर भी मरीज कोई कोई मर जाते हैं, वास्तविकता है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं करा कि अभी मैं आगे से अस्पताल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं गया था अस्पताल, इलाज किया डॉक्टर ने, बहुत पैसे खर्च हुए, फिर भी मरीज जिंदा नहीं रह पाए। ऐसा कहे कि आप में से ऐसा कोई है जो अस्पताल जाना छोड़ दे? नहीं है। जीवन का वास्तविकता है। विश्वास की बात भी अगर कहा जाए, सिर्फ दो चीज पर यह बातें टिकी हुई है, आपका विश्वास और ईश्वर की इच्छा। हम कभी कभी ऐसा हो सकता, पूर्ण विश्वास हम पर हमें होने के बावजूद भी व्यक्ति ठीक नहीं होते हैं। ईश्वर की इच्छा भी उसी प्रकार इंपॉर्टेंट है। जब आज के वचनों में हम इस प्रकार विश्वास के बारे में सुनते हैं, ये मन में हमेशा आते रहा सवाल है कि विश्वास करने से ही सभी लोग ठीक क्यों नहीं होता? इसका जवाब भी शायद यही है कि ईश्वर, आप सबों के विश्वास के साथ में ईश्वर की इच्छा भी होना बहुत जरूरी है। तो बिलव गॉड, आज के सुसमाचार उसका प्रमाण देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करें। स्वामी मेरा ये जीवन आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी तूने आस की ज
ज्योति जलाकर बर रहा है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर। हमारी मुक्ति की संस्कार द्वारा हमारे परिजनों मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी सुदिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्ग दूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर स्वर्ग महिमा दिखा गाती पृथ्वी सारी जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा की दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेवक सेविकाओं की सुधी ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहां बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम समल का पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी धन आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमारे बीच में कोई बीमार हो, इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे, पूर्ण विश्वास के साथ में, अब्राहम के समान, उस कोढ़ी व्यक्ति के समान, पूर्ण विश्वास के साथ में विश्वास करते हुए कि प्रभु हमारे लिए कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताने में और अपने जीवन में कार्य होने के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवारों से मृत अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चे, जो भी हमारे अपने हैं, उनकी आत्म शांति हेतु भी प्रार्थना करें। प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से उनके पापों को क्षमा करे और उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे यह स्तुति बलि चढ़ाई है। ये संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्राइस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर
सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुन।